हेलो पीपल होप यू ऑल आर डूइंग वेल सो टुडे आई विल कम विद अ वीडियो दैट इज़ ऑन चिलीज़ फैक्ट जी हाँ मिर्ची के ऊपर भी कुछ एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है मेरे पास तो चलिए आज मैं आपको कुछ एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देती हूँ चिलीज़ के बारे में सो so चिलीज़ के बारे में पहले तो मैं आपको ये बताऊँगी कि क्यों हमारी आंखें भर आती हैं जब भी हम चिलीज़ खाने लगते हैं या चिली वाला कोई भी स्पाइसी फूड खाते हैं एंड अवर आइज मेक वॉटरी सो देखिए ऐसा क्या है चिलीज़ में सो so, चिलीज़ कंटेन केमिकल कम्पाउंड अब आप बोल रहे होंगे गॉड रियली चिलीज़ में भी कोई केमिकल कंपाउंड हो सकता है नहीं यार हम तो ऑर्गेनिक खाते हैं सो so, ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का फंडा नहीं है चिलीज़ में कैपेसियन कंपाउंड होता है जो एक केमिकल कंपाउंड है और ये कलरलेस होता है और इसका केमिकल फॉर्मूला है सी एटीन एच ट्वेंटी सेवन एनओ थ्री सो वाइट इज कमिंग इमिजिएटली ईटिंग आफ्टर चिली एकदम बस कुछ स्पाइसी खाया नहीं और आपकी आंखें भरी नहीं चाहे बंदा कितना ही स्पाइसी खाने वाला हो ऐसा होता ही होता है बिकॉज जो कैपेसियन होता है वो पेन रिसेप्टर्स जो हमारी टंग में प्रेजेंट होते हैं उनके साथ बाइंड कर जाता है उसके बाद हमारा ब्रेन कूल डाउन करने के लिए हम बॉडी को स्वेटिंग प्रोड्यूस करता है सलाइवा प्रोड्यूस करता है हमारे माउथ में उसके बाद जो पेन रिसेप्टर हैं वो ईसोफेगस में बर्निंग करते हैं और चेस्ट में सेंसेशन करने की कोशिश करते हैं उसके बाद हमें इरिटेशन होने लगती है हमें हिकअप्स आने लगते हैं हमारी लंग्स भी इरीटेट होती हैं हमें पेन होने लगती है स्टमक में भी कई बार और डाइजेशन रेट एकदम से इंक्रीज़ कर जाता है तो कई बार हम एक्सेस ऑफ वाटर पी लेते हैं तो डायरिया होने के चांसेस भी रहते हैं और जो ये कैपेसियन है उसके बाद ये बाइंड कर जाता है जो पेन रिसेप्टर्स हमारी नर्व्स में प्रेजेंट हैं यस yes. नर्वस के साथ भी ये कॉन्टैक्ट बनाता है और जो नर्व्स में पेन रिसप्टैट इज़ कॉल टी आर पी वी वन मेक अ सर्च ऑन इट ट्रैक गूगल दैट वर्ट इज़ टी आर पी वी वन सो यू विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट उसके बाद हमारी आइज वॉटरी होने लगती हैं क्योंकि ये जो कैपेसियन है ये इरीटेट करता है आई मेमब्रेन को और टेयर डक को किक आउट करने की कोशिश करता है ताकि एक्सेस अमाउंट में वाटर प्रोड्यूस हो और जो भी इरीटेंट हमारी बॉडी में एंटर किया है वो जस्ट स्लोस आउट हो जाए बाहर निकल जाए अब एक और मिथ आता है कि यार वेट लॉस में भी तो ये इम्पोर्टेंट है चिल्ली खाएंगे तो वेट लॉस होगा यस इट इज़ नॉट अ मिथ ये एक फैक्ट भी है कि कई बार हमारा मेटाबॉलिक रेट इसको खाने से फास्ट हो जाता है तो ऐसा होता है कि ये हमारा वेट लॉस करने में भी हेल्प कर सकती है इन फ्यू केसेस नॉट इन एवरी क्योंकि हर एक बंदे की बॉडी एक अलग तरीके का सिस्टम इम्यून सिस्टम उसका अलग लेवल पे काम करता है तो जो अब स्पाइसी लवर्स हैं वो प्लीज़ देख के खाइए कि आपको मिर्ची खानी है अगर खानी है तो कितनी खानी है क्योंकि हम खुद ब खुद अपनी बॉडी के पेन रिसेप्टर्स को पेन दे रहे हैं सब मेक थिंग अगेन एंड अगेन दैट चिली खाएँ या ना खाएँ सो थैंक यू आई होप यू विल लाइक दिस इंफॉर्मेशन आपको एक नई इंफॉर्मेशन uh, मिली होगी कि कैपेसियन नाम का कोई केमिकल कंपाउंड भी है और ये कलर लेस है हाँ और मेक अ सर्च ऑन टी आर पी ओ यू वन ऑल्सो सो थैंक यू फ्रेंड्स हिट अ लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू